आ गया हरदयाल सिंह ढिल्लो यानी हार्डी। 3 मिनट के इस वीडियो ने बयां कर दी है डंकी मूवी की पूरी कहानी। तो क्या ये कहानी रेवेंज पे आधारित है? क्योंकि ट्रेलर को देखने के बाद तो ये लगता है कि मूवी रेवेंज पे आधारित है। इस ट्रेलर की कहानी शुरू होती है 1995 से, जब शाहरुख खान युवा थे यानी तकरीबन 30-32 साल के थे, और वो आते हैं लालटू नाम की जगह पर, और यहाँ पे उनकी 4 लोगों से मुलाकात होती है, जिनमें से एक मन्नू यानी तापसी पन्नू, जो कि हार्डी से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और सुखी यानी विक्की कौशल। मन्नू जो हार्डी के लिए प्रोफेसर से लड़ जाती है, वो प्रोफेसर जो उन्हें अंग्रेजी सिखा रहा होता है, और अंग्रेजी के प्रोफेसर कौन है? बमन ईरानी, जिन्हें खुद अंग्रेजी के शब्द सही से बोलने नहीं आते हैं। अब कहानी में एक मन्नू है जो कि हार्डी से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सुखी है जो कि ब्रिटेन जाना चाहता है मगर अंग्रेजी में कमजोर है। फिर ये बमन ईरानी के पास पहुंचते हैं जो कि कोचिंग सेंटर चलाते हैं। बमन ईरानी उनसे दावा करते हैं कि वो उन्हें कनाडा या ब्रिटेन भेज देंगे, और जब एक बार अंग्रेज उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो वो कहता है ये भी तो पंजाब में रह रहे हैं ना, इन्हें कौन सी पंजाबी आती है, हिंदी आती है। और फिर चिता जलरी होती है। हार्डी कहता है अंग्रेज भी तो यहाँ राज करके गए हैं, उन्हें कौन सी हिंदी आती थी। तो दोस्तों ये मूवी उन लोगों के लिए है जो हिंदी और इंग्लिश के बीच में हीन भावना रखते हैं। और आगे कहानी में हार्डी अपने चारों दोस्तों को 1995 में ब्रिटेन ले जाने की पूरी कोशिश करता है, पर शायद किसी वजह से वो उन्हें नहीं ले जा पाता है और अपना मिशन पूरा नहीं कर पाता है। 25 साल बाद जब हार्डी लौटता है तो वह किसी रेस में शिरकत लेता है। जब वो बूढ़ा हो चुका होता है उसकी सफेद दाढ़ी आ जाती है। भले ही सफेद दाढ़ी आ जाती है लेकिन शरीर में आज भी जान है, और वो कहता है 25 साल पहले जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आया है। यानी यहाँ तक कहानी में इमोशन, ड्रामा, लव, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब दिखता है। बात आती है एक्शन की। मानते हैं इतना ज्यादा एक्शन नहीं है, सलार मूवी जितना एक्शन नहीं है, लेकिन एक्शन इस मूवी को और ज्यादा दमदार बना देता है। ट्रेलर में हार्डी गन मशीन चलाता नजर आ रहा है, और वह उन लोगों पर गोलियां चलाता है जो उसके दोस्तों पर हमला करते हैं, और वह विदेशी जमीन पर पहुंचकर उन अधिकारियों से लड़ता है जो इंडियंस पर अत्याचार करते हैं। कभी वो चर्च में से दौड़ रहा होता है, कभी वो ऑफिसर्स को थप्पड़ मार रहा होता है, और कभी वो गार्ड पर गोली चला रहा होता है। तो दोस्तों ये था हरदयाल सिंह ढिल्लो यानी हार्डी। ये तो बस छोटी सी झलक थी, कंप्लीट हार्डी को जानने के लिए मूवी तो पूरी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी राजकुमार हिरानी जी की मूवी है, जिन्होंने मुन्ना भाई, MBBS, 3 Idiot, PK और संजू जैसी मूवी बनाई है। भले ही इनकी मूवी में एक्शन नहीं होता है लेकिन स्टोरी ऐसी होती है जो लर्नर की तरह साबित होती है, यानी बहुत कुछ सिखा देती है इनकी स्टोरी। चाहे आप 3 Idiot को देख लीजिए, PK देख लीजिए, संजू देख लीजिए, जो भी इन्होंने मूवी बनाई है इन मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आखिर मैं तो इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ, क्योंकि इस मूवी में इमोशन दिखेगा, लव दिखेगा, ट्रेजेडी दिखेगी, कॉमेडी दिखेगी और ड्रामा भी दिखेगा, और साथ में थोड़ा बहुत एक्शन भी है, तो वाकई में बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है। भले इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो भी रहे लेकिन ये मूवी बहुत कुछ सिखाने वाली है। अच्छा बुरा जो भी आपका रिएक्शन है वो आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।